चलिए रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भिवाड़ी से छोड़े जाने वाले पानी को लेकर के काफी सख्त नजर आ रहे हैं। हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों के साथ ज्वाइंट बैठक की है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। दोनों प्रदेशों को मिलकर के एक संयुक्त टीम का गठन करना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह सुझाव दिया और दूषित पानी की वजह से आम जनता को परेशानी नहीं होने देंगे। भिवाड़ी से छोड़े जाने वाले पानी को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल काफी सख्त नजर आए। दोनों प्रदेशों के अधिकारियों के साथ एक ज्वाइंट बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की और एक संयुक्त टीम गठन करने की बात कही है ताकि दूषित पानी की वजह से हम लोगों को जो परेशानी हो रही है उससे उन्हें निजात मिले। प्रेम भारद्वाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। प्रेम, क्या कुछ ज्यादा जानकारी दोनों राज्यों के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बैठक की है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3 दिन के दौरे पर यहाँ पर है। आज तीसरा दिन है और अभी गंगाई का अरेंजमेंट का कार्यक्रम चल रहा है। इससे पहले धारवाड़ के अंदर जो है वो राजस्थान और हरियाणा के अधिकारियों भी उन्होंने संयुक्त एक बैठक भी और जरूरी दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। क्योंकि आपको बता दें कि जो राजस्थान से लगातार भिवाड़ी से केमिकल युक्त पानी धारवाड़ा के अंदर आ रहा है, कॉलोनियों में चला जाता है, लोग काफी परेशान हैं और लगातार इसकी शिकायतें की जा रही हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने कल मौका मुआयना भी किया और अपनी आंखों से देखा कि किस कदर परेशान है वहाँ के लोग। क्योंकि जो हाईवे है NH-48 दिल्ली जयपुर मार्ग, वहाँ पर भी ये दूषित पानी आ जाता है, गहरे गड्ढे हो जाते हैं और घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में आम जनता को परेशानी हो रही थी तो मुख्यमंत्री ने स्वयं वहाँ का दौरा किया। उन्होंने 2 दिन पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी बात की और इस बारे में अवगत कराया और मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस पर कोई ना कोई समाधान निकाला जाएगा। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर इस बात पर अड़ गए कि उन्हें लिखित में चाहिए राजस्थान सरकार से कि ये इसका निष्पादन कब तक हो पाएगा। अगर फिर भी राजस्थान सरकार नहीं मानती तो कोर्ट जाने से भी कोई गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन धारवाड़ा और धारवाड़ से लगते एरिया को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होने दिया जाएगा, वहाँ के लोगों को किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री के इन आदेशों के बाद, इस दौरे के बाद कब तक ये समस्या का समाधान हो पाएगा। लेकिन प्रेम, अगर बात करें राजस्थान सरकार की, राजस्थान के अधिकारियों की, तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्या कोई ठोस कोई कदम उठाने की बात उनकी तरफ से कही गई? आज देखिए जो चिट्ठी भी लगाई गई है राजस्थान में एरिया के अंदर, एक्चुअल में वो पानी फिल्टर करने के लिए होती है लेकिन वो ही खराब है। मुख्यमंत्री ने स्वयं राजस्थान के मुख्यमंत्री को बताया, आज मीटिंग में भी दिशा निर्देश दिए कि इसे तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाए और किसी भी कीमत पर इंडस्ट्रीज का केमिकल युक्त पानी धारवाड़ा की तरफ नहीं आना चाहिए। और आपको ये भी बता दें कि NGC 45 करोड़ रुपए का जुर्माना पहले राजस्थान सरकार पर लगा देती है, बावजूद उसके कोई एक्शन नहीं लिया गया। बार बार यहाँ केंद्रीय मंत्री रविंद्रजीत सिंह की बात करें या स्थानीय विधायक कृतिरूप की राह की बात करें, हर बार मुद्दा उठता है, सबसे पानी बनता है तो सड़कों पर उठ जाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, लेकिन आज तक कोई कुछ समस्या का निदान नहीं हो पाया। 6 साल हो गए, अब अंत में मुख्यमंत्री ने जो डिसीजन दिया कि आपकी राजस्थान सरकार अगर इधर से पानी आता है इंडस्ट्रीज का तो निश्चित रूप से वो कोर्ट में जाएंगे और FIR भी उसके खिलाफ पहले की जा चुकी है। चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए प्रेम।